पटना रेलवे स्टेशन। स्टॉपेज के बाद अपनी ट्रेन निकलने को तैयार हो गई है सरहिंद जंक्शन से। भाई फाइनली हमारा डिपार्चर होने वाला, देखिए इसका क्या हाल हो चुका है। मेरा गेट जाम हो गया यहाँ पे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, स्वागत कर रहा हूँ आपका एक नई ट्रेन यात्रा में। और मेरे पीछे देख सकते हैं लुधियाना जंक्शन। आज की यात्रा हमारी यहीं से शुरू होने वाली है, तो चलिए सफ़र को शुरू करते हैं। और आज मैं सफ़र कर रहा हूँ ट्रेन नंबर 14682 जलंधर सिटी और न्यू दिल्ली के बीच में चलने वाली एक डेली ट्रेन न्यू दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस में आज हम सफ़र करेंगे। काफ़ी डिमांडेबल ट्रेन है भाई ये, जलंधर सिटी से न्यू दिल्ली के बीच में चलने वाली काफ़ी अच्छी ट्रेन भी मानी जाती है। तो चलिए सफ़र को शुरू करते हैं, और सफ़र अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर। 5:17 पर इसका अराइवल है, लेकिन बस कुछ मिनट लेट चल। प्लेटफॉर्म के अंदर मेरे पीछे देख सकते हैं। और लुधियाना स्टेशन की बात करें तो लुधियाना स्टेशन का स्टेशन कोड है LDH, और ये नॉर्दर्न जोन के फिरोजपुर मंडल में आता है अपना लुधियाना जंक्शन। काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशनों में से एक है, और यहाँ पे 214 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट दिया गया है। और यहाँ से 14 ट्रेन ऑरिजिनेट और 14 यहाँ से टर्मिनेट होती है। काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशनों में से एक अपना लुधियाना एक नंबर यात्रा पे आ चुकी है। और टाइमिंग की बात करें तो ये 15 मिनट लेट हो रहा है। इसके लगा सकते के साथ आपको W87 देखने को मिल रहा है। देखिए फाइनली भाई अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है लुधियाना जंक्शन। 5:43 इसने डिपार्ट किया लुधियाना जंक्शन से। पीछे डिपार्ट अपनी इंटरसिटी जंक्शन से। अच्छा, अगर टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन जलंधर से 4:15 है, और सेम डे आपको 12:53 पे नई दिल्ली पहुंचाती है। और इस दौरान ये टोटल डिस्टेंस कवर करती है 437 किलोमीटर का, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम लेती है ये 12 घंटे और कुछ सेकंड का। काफ़ी भाई अच्छी ट्रेन है, पंचवैलिटी को काफ़ी कवर करती है, पर ये आज लेट चल रही है, पता नहीं क्या बात है इसमें। चलिए निकल रही है अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस। आगे उतरेगा तेज तो होगी, कहाँ जंप करेगा भाई? क्या कर रहे हो यार भाई? देखिए निकल रही है अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस लुधियाना जंक्शन से 1 नंबर प्लेटफॉर्म। तो भाई आज की जो बर्थ है बताते हैं आपको, 59 15 F16, ये अपनी
60 वाली है और ये 59। लगेज वगैरह देखने रखने के लिए क्या हमारा सिस्टम दिया होगा, चलिए दिखाते हैं आपको। आपकी भाई कितनी सीट है? ये भैया जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हैं। स्किप कर रही है पंडारी कलां रेलवे स्टेशन को। तो भाई लुधियाना से 42 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है खन्ना रेलवे स्टेशन। 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है अपना खन्ना, और ये नॉर्दर्न जोन के अपनी डिवीज़न जो है अम्बाला शुरू हो चुकी है। लुधियाना तक के हम फिरोजपुर मंडल में, और अभी हम आ चुके हैं अम्बाला डिवीज़न में, और इसका स्टेशन कोड है KNN।
इसलिए भाई निकल रही अपनी ट्रेन खन्ना रेलवे स्टेशन से ऑन टाइम, जो ये लेट से लेकर इसने अपना पूरा समय कवर कर लिया। देखिए डिपार्चर खन्ना रेलवे स्टेशन से अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस का। रिव्यू एक बार कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं क्या कंडीशन है अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस के वॉशरूम। जैसे दोस्तों जैसे आप सामने आएंगे यहाँ पे आपको डस्टबिन मिल जाएगा, यहाँ फायर एग्जीक्यूशन होना चाहिए बट यार दे नहीं रखा, पता नहीं क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे पानी वगैरह का लग रहा है मुझे, और वॉशरूम की आप साफ सफाई देख सकते हैं भाई ठीक ठाक ही है। वॉश बेसिन में पानी आ रहा है, ये फ्लशिंग बटन, और यहाँ पे सामने ये देख सकते मेरा गंदा था। तो भाई अगर वॉशरूम की रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको दूंगा 10 में से 4। भाई देखिए अपनी ट्रेन अराइव कर रही है सरहिंद जंक्शन। चल छोड़, चल उतर यार, फेमस हो जाएगा। फेमस हो ही पड़ा उसमें क्या है, चल रुक जा गए। देखिए भाई फाइनली अराइव हो चुके हैं हम सरहिंद जंक्शन पे, और इसका स्टेशन कोड है SRD, और ये 3 नंबर का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म, अपनी जो गाड़ी आई है मेरे हिसाब से तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है, और 3 उसके जस्ट पीछे है। फाइनली 2 मिनट का स्टॉपेज के बाद अपनी ट्रेन निकलने को तैयार हो गई है सरहिंद जंक्शन से, और बस निकलने वाली है। डॉक्टर साहब ने देखी देखिए हरी झंडी, और चलिए 2 नंबर पे आई थी अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस। निकल चुके हैं हम सरहिंद जंक्शन से, अब अम्बाला देखिए राजपुरा आएगा तो कहाँ तक चलो। चलिए भाई डिपार्ट कहाँ तक जाओगे, जंक्शन चलो हम सब बना लेते हैं।
चलिए भाई फाइनली निकल गए हम सरहिंद जंक्शन से। शेयरिंग ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस फाइनली आप निकल गए सरहिंद जंक्शन से। यार ये कौन सी गाड़ी खड़ी इसमें यार नाव वगैरह कुछ नहीं कही थी। बाय बाय सरहिंद जंक्शन। भाई यार दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं राजपुरा जंक्शन। राजपुरा भी आता पंजाब में ही। इसके बाद हम एंटर कर जाएंगे हरियाणा में बॉर्डर के पास। ये राजपुरा जंक्शन पर अराइवल अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस का और ये इसका स्टेशन कोड और ये आई है प्लेटफॉर्म नंबर मेरे हिसाब से तो एक होना चाहिए। देखिए राजपुरा जंक्शन भैया। फाइनली हम पहुंच चुके हैं राजपुरा जंक्शन। आरपीजे इसका स्टेशन कोड है और ये भी नॉर्दर्न जोन के अंबाला डिवीज़न में आता अपना राजपुरा जंक्शन। जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन अपनी जिस लाइन पे हम जाने वाले हैं अंबाला वाली लाइन जाती है और एक लाइन यहाँ से आप भटिंडा के लिए भी ले सकते हैं। एक लाइन यहाँ से भटिंडा भी जाती है, यहाँ से आप भटिंडा भी जा सकते हैं और ये पंजाब का लास्ट रेलवे स्टेशन है। इसके बाद हम एंटर कर देंगे सीधा हरियाणा में। अगला स्टेशन जो आएगा अपना अंबाला सिटी आएगा। तो देखिए तो भाई 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है राजपुरा जंक्शन से। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी अपनी ये इंटरसिटी एक्सप्रेस। बैग पहुंच गए, गए यार गए, निकल गए हम राजपुरा जंक्शन से। अब इसका स्टॉपेज सीधा आएगा अंबाला, अंबाला सिटी राजपुरा जंक्शन से डिपार्चर अपनी जनशताब्दी एक्सप्रेस। खाने पीने के लिए भी यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हुए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा रही मान चले भाई है। निकल गए हम राजपुरा जंक्शन से। जय हो राजपुरा। बाय बाय।
दोस्तों अपना अराइवल हो रहा है अंबाला सिटी रेलवे स्टेशन। देखिए भाई यहाँ भी भीड़ भाड़ काफ़ी है, काफ़ी डिमांडेबल ट्रेन है ना भाई, तो यहाँ पे लोग चढ़ती हैं। अंबाला सिटी या अंबाला शहर, 9 मिनट की देरी से पहुँचाया इसने यहाँ पे अंबाला सिटी रेलवे स्टेशन पर हमको। तो दोस्तों हरियाणा में आपका स्वागत है और हम पहुँच गए अंबाला, हरियाणा के अंबाला सिटी रेलवे स्टेशन पर। UBC इसका स्टेशन कोड है और 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और अपनी प्लेटफॉर्म नंबर, अपनी ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है। इसके बाद ये सीधा रुकेगी अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर। तो मिलते हैं आपसे सीधा अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर। 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद अपनी अंबाला से निकल चुकी है अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस अंबाला सिटी। ये अंबाला कैंट से कुछ ही दूरी पर स्थित है और अंबाला में गाड़ियों की भीड़ ज़्यादा होने के कारण इसे रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। कई ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं, कई ट्रेनें यहाँ पर नहीं रुकती। देखिए डिपार्चर अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस का अंबाला सिटी से। 1 नंबर पर प्लेटफॉर्म पर आई थी अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस। अपनी ट्रेन कर्व लेती हुई और अपना अराइवल अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। दोस्तों अपना अराइवल हो रहा है अंबाला कैंट जंक्शन पर। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस अंबाला कैंट जंक्शन। टाइम देख सकते हैं भाई 7:27 हो गया है, 7:27 इसने हमें पहुँचाया है अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। देखिए 7:28। भाई हम पहुँच चुके हैं अंबाला कैंट स्टेशन पर। उसका स्टेशन कोड है UMB और ये अपने आप में एक डिवीज़न भी है अंबाला। और ये देखो पॉइंट इसलिए यहाँ से एक लाइन अपनी चंडीगढ़ को निकल जाती है, एक अपनी जिससे हम पीछे से आ रही लुधियाना वाली, एक लाइन यहाँ से सहारनपुर को निकल जाती है और एक अपनी नई दिल्ली। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेन का स्टेशन अंबाला कैंट। और अगर अंबाला है तो यहाँ के छोले भटूरे ट्राई करना ना भूलो, अंबाला के छोले भटूरे बहुत फेमस है, आपको देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए लेते हैं छोले कुलचे।
हमें 30 रुपये प्लेट पड़ी हमको ये आगे बताइए कैसा है। कैसा भैया को बाला है तो कुछ जरूर पड़ा करें, काफ़ी अच्छे होते हैं। 7:42 का डिपार्चर, 7:43 हो रहे हैं। ऑन टाइम डिपार्ट किया था इसने, बट स्लो हो गई यार, पता नहीं क्यों। चलिए भाई फाइनली निकल चुके हैं बाला छावनी से, बाला छावनी या बाला कैंट शंग। देख रहे हैं ये वही दिल्ली वाला ट्रैक है, दिल्ली को निकल जाता है और जो अपनी ट्रेन है ये मुड़ चुकी है सहारनपुर की तरफ। वो जो लाइन है वो कुरुक्षेत्र तो पानीपत होते हुए नई दिल्ली निकलती है, बट जो अपनी ट्रेन है ये सहारनपुर होते हुए नई दिल्ली जाएगी। जो रूट है ये सहारनपुर को निकल जाता है। अराइवल पराड़ा रेलवे स्टेशन,
बराड़ा भी आता है हरियाणा, और इसका स्पेशल कोड है R88। और यहाँ पर तीन प्लेटफॉर्म, हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आ रही मेरे पीछे, बट भीड़ ज़्यादा होने के कारण मैं प्लेटफॉर्म पर जा नहीं सकता। और यहाँ पे तीन ही प्लेटफॉर्म है, काफ़ी कम ट्रेनें यहाँ पे रुकती हैं। छोटा मोटा स्टेशन है भाई ये अपना बराड़ा। हमारा अराइवल हो रहा है यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर, यमुनानगर जगाधरी, और आई है ये यमुनानगर जगाधरी के दो नंबर प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पे भी चढ़ने वाले की भीड़ देखिए भाई, जहाँ भी रुकती है भीड़ कम होने का नाम ही नहीं लेती इसमें। देखिए कितना क्राउड हो चुका है यहाँ पे, अपना नगर जगाधरी। पहुँच चुके हैं हम यमुनानगर जगाधरी, राय स्टेशन कोड है, और अम्बाला और मुरादाबाद बल्लारी लाइन में ये स्थित है। और टाइमिंग की बात करें तो अपनी गाड़ी 5 मिनट लेट चल रही है अपने टाइम से। और यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है बस, इसके बाद हम एंटर कर जाएंगे उत्तर प्रदेश में। जो अपना हमारा अगला स्टॉप होगा वो होगा सहारनपुर जंक्शन, यहाँ से यमुना नदी मिलेगी, यहाँ से इसको बॉर्डर बनाते हैं, या इसके यमुना नदी की इस पार हरियाणा, इस पार अपना उत्तर प्रदेश। तो चलिए टाइमिंग हो चुकी है अपनी ट्रेन की डिपार्ट करने के लिए, तो निकलते हैं, तो मिलते हैं आप सीधा डिपार्चर। भाई फाइनली हमारा डिपार्चर होने वाला, देखिए इसका क्या हाल हो चुका है, मेरा गेट जाम हो गया यहाँ पे। क्या यार, इसको जनरल डिब्बा बना के रखा हुआ है लोगों ने, इसको देखिए बंदे जिसको चढ़ना होगा बंदा कहाँ से चढ़ेगा यार, कोई नहीं 2 मिनट आगे। चलिए चलिए फाइनली हम निकल चुके हैं यमुनानगर जगाधरी से ऑन टाइम, 2 नंबर पे आई थी अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो पहले से कब जी आया था, मैं तेरों को ढूंढ रहा था। यमुनानगर जगाधरी दोस्तों, इसके बाद हम एंटर कर जाएंगे उत्तर प्रदेश में, और आपको दिखाते हैं यमुना नदी। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश में एंटर करेंगे, देखिए Thank you.
शूट कर रहे हैं तो अपने मोबाइल वगैरह बचा के रखें, क्योंकि यहाँ से चोरी वगैरह बहुत होने का डर रहता है। तो सवाल से बनाए वीडियो वगैरह लोग यार इतना सामान लेके चल देते हैं, अपने से ज़्यादा सामान लेके चलते हैं, इसीलिए रोड वगैरह जाम करते हैं। उसको कुछ कहीं भी जाना हो तो कहाँ से जा सकते हैं। पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन सहारनपुर जंक्शन स्टेशन कोड SRE, और ये भी नॉर्दर्न जोन के अम्बाला डिवीज़न में आता है अपना सहारनपुर। और जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन अपनी मुरादाबाद वाली निकल जाती है, एक लाइन अपनी मेरठ होते हुए दिल्ली को जाती है, और एक अपनी दूसरी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। तो इस पार्ट को वहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। तो वीडियो देख के बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।